अगर आपको भी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स पसंद है और आप भी कंपनी की कोई बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनी आने वाले कुछ महीनों में इंडियन मार्केट में 3 नई शानदार बाइक्स लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है। इसलिए अगर आप रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदने वाले हैं तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जिससे आप कंपनी की नई अपडेटेड बाइक्स खरीद सके। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑटोनेस पर, मैं हूँ आपके साथ मनीषा और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंपनी की इन तीनों ही अपकमिंग बाइक्स के बारे में डिटेल में, जिससे आप खुद ही ये डिसाइड कर सके कि आपको इनका इंतजार करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जनरेशन बुलेट 350 को इंडियन मार्केट में आने वाले कुछ महीनों में पेश किया जा सकता है। इसमें कई नए अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसमें UHC 346 cc यूनिट की जगह अब नया 349 cc एयर और ऑयल कूल्ड OHC इंजन दिया जाएगा। इसी के साथ इसमें J सीरीज इंजन के साथ आने वाली क्लासिक 350 के साथ कई सिमिलैरिटीज भी हमें देखने को मिलेंगी। बता दें कि ये पावर ट्रेन 6100 rpm पर 20.2 bhp का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 4000 rpm पर 27 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है, और इसी के साथ इसे 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ भी जोड़ा जाएगा। अब बात करें कीमत की, तो इसकी कीमत हंटर 350 के आसपास हो सकती है। रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। जिन लोगों को टूर बाइक्स पसंद हैं उनके लिए कंपनी नई हिमालयन 450 को पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाइक को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी सड़कों पर देखा जा चुका है। वहीं कंपनी नई हिमालयन 450 को अपने पोर्टफोलियो में हिमालयन 411 के ऊपर प्लेस करेगी। बात करें इसकी पावर ट्रेन की, तो इसमें 450 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाएगा जो लगभग 40 bhp की पावर जनरेट करेगा। वहीं इसकी कीमत 2.8 lakh rupees एक्स्ट्रा शोरूम तक हो सकती है, और लॉन्च होने पर यह सीधे तौर पर KTM 390 एडवेंचर को टक्कर देगी। रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650। रॉयल इनफील्ड की तरफ से 650 cc सेगमेंट में एक और नई बाइक शॉटगन 650 को लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक इस बाइक में 648 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन दिया जाएगा। तो आप बताइए कि इन तीनों ही बाइक्स में से आपको कौन से ज्यादा पसंद आए, जिसके लिए आप इंतजार करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।